हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बिस्मा नूर व्लॉग। सो ये रमज़ान का व्लॉग है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने बना कर रखा था, लेकिन जो है ना वो मैं शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी आवाज़ बंद थी और मैं डब भी नहीं कर पाई और मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। सो यहाँ पर जो है ना वो हम कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग करने जा रहे थे, जो कि हमने जो है ना वो कपड़े वगैरह तो सब खरीद लिए थे स्टार्टिंग ऑफ रमज़ान में, लेकिन कुछ छोटी मोटी सी ज्वेलरी रह गई थी तो वो लेनी थी। तो फिर हमने रोहेब को रेडी किया और फिर बिस्मा, मैं और रोहेब तीनों मिलकर जो है ना वो छोटी मोटी सी ज्वेलरी की शॉपिंग करने के लिए आए। सो यहाँ पर जो है ना वो मैं जुरैन के लिए ये ब्रेसलेट ले रही थी एंड बिस्मा के लिए भी छोटी मोटी सी ज्वेलरी लिए, कुछ एयररिंग्स एंड कंगन वगैरह। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी और ये सारी वो ज्वेलरी थी जो कि ब्लैक भी नहीं होती है। तो जुरैन अम्मा दादी जो है ना वो हमें बहुत चुप चुप के निकल रहे थे, लेकिन ये हमारे पीछे लगी गई आखिरकार। लेकिन ये कि कुछ फ़ायदा हो गया इसे लाने का, क्योंकि मैंने जो है ना वो इसके साइज़ की बैंगल्स खरीद ली, वो जो कि मुझे अभी इसका साइज़ हाथों का इतना ज़्यादा पता नहीं है, पहले पता था तो अब जो है ना वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, लेकिन ये है कि जुरैन साथ आ गए तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो गई। सो यहाँ से तो फिर हम लोग जो है ना वो बिस्मा के लिए और मम्मा के लिए बैंगल्स ले रहे थे और कुछ चेंज वगैरह हमने ली। फिर उसके बाद हमने रोहेब को बोला कि हमें चाय पिला दें। जोनी का मुंह देखा। सो मार्केट में एक छोटा सा होटल था तो वहाँ पर जो है ना वो चाय का होटल था, तो वहाँ पर हम चाय पीने के लिए बैठ गए। वहाँ पर छोटा सा उन्होंने अंदर फैमिली का सेक्शन बनाया हुआ था, सो वहीं पर ही हम चाय पीने के लिए बैठ गए। फिर बिस्मा ने बोला कि भाई मुझे पराठा खाना है चाय के साथ, तो फिर हमने जो है ना वो चाय के साथ पराठा भी मंगा लिया। यहाँ पर जो है ना वो बिस्मा अपने फ्रेंड्स को बता रही हैं कि हम जो है ना वो कहाँ आए हैं और क्या लेने के लिए आए हैं, शॉपिंग करने के लिए आए हैं, क्या शॉपिंग की है हमने। सो मैंने तो आप लोगों को डब करके बता दिया, पर बिस्मा के फ्रेंड्स को तो नहीं पता कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, तो फिर जो है ना वो अब उनको भी पता चल गया होगा। अभी क्या बोल रही थी? मैं भी मार्केट में आई हूँ। क्या करने? शॉपिंग करने? चलो मैं शॉपिंग करने आई हूँ। शॉपिंग करने आई हूँ, मैं मुंह देखो। ईद की शॉपिंग करने आई हूँ। बोलो ईद की शॉपिंग। बोलो मैं ईद की शॉपिंग। बोलो मैं ईद की शॉपिंग करने आई हूँ। बदतमीजी नहीं। मैंने आप लोगों से चांदनाथ के व्लॉग में शेयर किया था कि मेरे रमज़ान के दो व्लॉग्स पड़े हुए हैं, जो कि मेरा गला ख़राब था और मेरी आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही थी, तो इस वजह से मैंने बना के रखे थे लेकिन मैंने शेयर नहीं किए थे। सो डब भी नहीं मैं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल, आवाज़ फिर कुछ देर में बंद हो गई थी। तो फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ईद के व्लॉग के बाद आप लोगों से शेयर करूँगी, तो ये पहला व्लॉग है और इसके बाद मैं दूसरा व्लॉग भी एक दो दिन में आप लोगों से शेयर कर दूँगी। सो यहाँ पर बिस्मा और जुरैन दोनों मस्तियों में लगे हुए थे, तो उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था, तो वो लोग पर्दे के साथ खेल रहे थे दोनों मिलकर। तो जी यहाँ हमारी चाय भी आ गई है जिसका हमें इंतज़ार था, और यहाँ पर सहरी का टाइम भी अभी होने ही वाला था, लेकिन हम घर पे भी जाके चाय पियेंगे क्योंकि हमें चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमें बार बार चाय दे तो हम बार बार चाय पियेंगे, तो चाय इज़ लव। इसी के साथ करते हैं फिर अपने व्लॉग को यहीं पे एंड।
और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मिलेंगे। तो ये पुराना व्लॉग है, सो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को अच्छा लगा कि मैंने पहले का व्लॉग अभी शेयर किया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।